अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से गोल्डनगंज रेलवे स्टेशन से, और आगे जाने के बाद आप लोग को दिखलाते हैं, क्योंकि चारों तरफ का दृश्य आप लोग देख ही सकते हैं कैसा है। अब यहाँ से हम पहुँचते हैं दूसरे रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से आप लोग रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, और ये जो ट्रैक है, ट्रैक के सामने आप लोग बड़े बड़े जंगल बागीचे भी देख सकते हैं, जो कि गर्मी का मौसम है। तो अभी शाम हो चुका है और सूर्य देख सकते हैं कोने में, और यहाँ से जाते वक्त आप लोगों को बहुत सारे रेलवे स्टेशन मिलेगा देखने के लिए रास्ते में। नाइट का समय हो जाएगा, रात हो जाएगा, तो रात में काफ़ी अच्छी लोकेशन मिलेगी देखने के लिए। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, तो आप लोग को आगे का सीन दिखलाते हैं, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए इस रेलवे स्टेशन से आप लोग लेकर चलते हैं आगे। यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं मालगाड़ी का जो डब्बा है, ट्रेन लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर ट्रक भी लगा हुआ है, जो कि इसमें का जो सामान है ट्रक में लाद कर लेकर जाते हैं और यहीं पर लगाया जाता है। ये जो कौन सा रेलवे स्टेशन आने वाला है आगे चल के दिखलाते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन तो काफ़ी लंबा दिख रहा है और काफ़ी बड़ा भी रेलवे स्टेशन है। भीड़ देखते हैं कि इस रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ लगता है कि नहीं, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन है, हम प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुँचे हैं, और यहाँ से देख सकते हैं ट्रेन यहाँ से चल चुकी है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकी हुई थी ट्रेन, और यहाँ पर है 7 रेलवे ट्रैक, जो कि बीच में केवल मालगाड़ी आती रहती है और एक तरफ केवल पैसेंजर ट्रेन या लोकल ट्रेन या सुपर फास्ट आता है। और यहाँ से देख सकते हैं इस रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। ये जो रेलवे स्टेशन है, यह गोल्डनगंज से 3रे नंबर पर रेलवे स्टेशन आता है। अगर आप लोग यहाँ से सफ़र करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इस खैरा रेलवे स्टेशन को, और इस रेलवे स्टेशन पर बहुत से यात्री अभी यात्रा कर रहे हैं। आप लोग इधर तो आप लोग एक भी यात्री नहीं, तो यहाँ से आप लोगों को लेकर चलते हैं आगे। और आगे जो है आप लोगों को इस रेलवे स्टेशन पर यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जो रेलवे स्टेशन है, यह 1947 ईस्वी के बाद बनाया गया है, और काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन होने की वजह से इसको और अच्छी तरीके से बना दिया गया है। देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन काफ़ी लंबा है, जो कि हमारे यहाँ रामकोला रेलवे स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब आज के हम दूसरे रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ देखते हैं कौन सा ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर तो ट्रेन रुकेगी, क्योंकि यात्रियों का भीड़ इधर काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ट्रेन अवश्य रुकती है। और देखते हैं कौन सा रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर रुकने के बाद देखते हैं कहाँ चलता है। यह है दौड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि 6:05 हो चुका है, शाम हो चुका है, और देखते हैं ये ट्रेन कहाँ रुकती है, क्योंकि रेल इंजन के पास से काफ़ी दूर तक, यानी दूसरे डिब्बे को छोड़कर तीसरे डिब्बे में बैठा हुआ हूँ। यहाँ से बाहर का दृश्य दिखलाता हूँ। यहाँ पर भी हर रेलवे स्टेशन पर बरगद और पीपल के पेड़ और बाकी ऐसे मिलते हैं इस रेलवे स्टेशन पर, और यह रेलवे स्टेशन भी काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, और इस जगह पर ट्रेन रुकी है ज़रूर। और यहाँ पर उतरने के बाद आप लोग को देखते हैं कि कैसा है ये रेलवे स्टेशन। अभी मैं पहुंच चुका हूँ शाम कौरिया रेलवे स्टेशन में। पीछे आप लोग हमारा रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, हमारी ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है, और देखते हैं कब तक यहाँ से निकलती है। यह है शाम कौरिया रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार का यह सबसे छोटा 3रा रेलवे स्टेशन है।
चारों तरफ से आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं इस जगह से, तो देखते हैं कितना टाइम रुकती है यह ट्रेन। हमारी जो ट्रेन है अभी शामकौरिया रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है। अब यहाँ से चलते हैं आगे और आगे का दृश्य आप लोग दिखलाते हैं। पीछे आप लोग देख सकते हैं ट्रेन एक और लगी हुई है और दूसरी तरफ से दृश्य दिखलाते हैं, क्योंकि शाम हो चुका है और शाम के समय में ये सब काफ़ी ज़्यादा दिखता है। तो यहाँ से अब निकलते हैं आगे, क्योंकि शाम हो चुका है और काफ़ी दूर तक रेलवे स्टेशन का जो बोर्ड है वो बहुत कम ही दिखेगा। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं इस रेलवे स्टेशन से। और इस रेलवे स्टेशन से कितने लोग यात्रा किए, क्योंकि यहाँ पर ठीक सामने देख सकते हैं ये शामकौरिया रेलवे स्टेशन बिहार का सबसे छोटा तीसरा रेलवे स्टेशन है, जो कि मैंने वीडियो में बताया है। और यहाँ से चारों तरफ देख सकते हैं सूर्य, आप लोग देख सकते हैं सूर्यास्त का समय हो चुका है, 6:20 हो रहा है। तो कब तक हम पहुँचते हैं, 7 बजे तक हम पहुँच जाएंगे थावे यानी गोपालगंज रेलवे स्टेशन के पास में। तो देखते हैं यहाँ पर ट्रेन कितना टाइम रुकती है। और यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक बदल रहा है, रेलवे ट्रैक यानी जो ट्रेन है वो ट्रैक बदल रही है यहाँ से, और यहाँ से भी आगे चलते हैं। फिर आगे जाने के बाद आ चुका है एक और रेलवे स्टेशन यहाँ पे। इस रेलवे स्टेशन को और अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पर ट्रेन रुकने वाली है, तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं यात्री भीड़ लगाए हुए हैं। और यहाँ पर चलिए ट्रेन स्लो हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं इस रेलवे स्टेशन को और अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है, साफ़ सुथरा, क्योंकि नया बन रहा है ये। तो यहाँ पर ट्रेन रुकेगा और काफ़ी दूर तक बन चुका है ये रेलवे स्टेशन। तो ये भी काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, नाम मैं नहीं पढ़ पाया। तो 6:26 हो चुका है, प्लेटफार्म नंबर 1 पर ट्रेन आई हुई है। तो यहाँ से चल के आगे दिखलाते हैं आप लोगों को रेलवे स्टेशन, जो कि आने वाले समय में यह रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन में से एक माना जाएगा। तो आप लोगों ने इस रेलवे स्टेशन को देखा कि कितना दूर से और कितना पास से और कहाँ तक आ चुका है। और यहाँ से भी देख सकते हैं मसरख जंक्शन है, तो बड़ा है। और यहाँ से भी काफ़ी दूर तक, तो यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन के पास एक जो मंदिर है, जो सामने आप लोगों ने मंदिर देखा, ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है और इस जगह पर भी काफ़ी लोग पूजा करने के लिए आते हैं, इस जगह को देखते हैं। और अब इस रेलवे ट्रैक से दूसरे रेलवे ट्रैक से हमारी ट्रेन चेंज हो रही है और अब पहुंचने वाले हैं दूसरे रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि रास्ते में जो बाहर का सीन है, बड़े बड़े पेड़ पौधे, उनको जंगल दिखलाते हुए और पहुंचते हैं दूसरे रेलवे स्टेशन पे, जो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे जाने के बाद भी ऐसा कई ऐसे रेलवे स्टेशन आते हैं जो कि काफ़ी अच्छा रहता है देखने पर भी। ट्रेन गुजर रही है यहाँ से और बाहर से आप लोग देख सकते हैं इस रेलवे स्टेशन में पहुँच चुका है ट्रेन। और यहाँ पर एक ट्रेन लगी हुई है जो कि राजापट्टी रेलवे स्टेशन से। तो ये जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर पहले एक छोटा रेलवे स्टेशन हुआ करता था और आज के समय में इस रेलवे स्टेशन को अच्छी तरीके से बनाया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है ये, जो कि यहाँ से ये जो ट्रेन आप लोग देख सकते हैं, ये भी पैसेंजर ट्रेन है, जो कि काफ़ी दूर तक, इसमें करीब 18 डब्बे हैं और 18 डब्बे में हर एक डब्बे में 80 लोग बैठते हैं, तो इसमें करीब 840 लोग बैठ सकते हैं एक साथ। और इस रेलवे स्टेशन को पार करके निकलते हैं आगे, यहाँ पर ट्रेन रुकेगी। तो यहाँ पर रुकने के बाद यहाँ का सीन कुछ दिखलाते हैं ट्रेन से बाहर उतरने के बाद, तो देखते रहिए। अभी हम पहुँच चुके हैं राजापट्टी रेलवे स्टेशन में, पीछे देख सकते हैं राजापट्टी। और यहाँ पर अभी ज़्यादातर उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है,
फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। काफ़ी आने के बाद उस समय यहीं पर रुका हुआ था और ट्रेन देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से राजापट्टी रेलवे स्टेशन, और इस राजापट्टी रेलवे स्टेशन पर 6:41 पर ट्रेन आई है और 2 मिनट ट्रेन हर स्टेशन पर 2 मिनट ट्रेन रुकती है, कहीं कहीं पे तो 10 मिनट से ज़्यादा रुकती है। जैसे कि ट्रेन का स्पीड रास्ते में ज़्यादा करके जल्दी से स्टेशन में पहुंचा दिया जाता है और वहां से 10 मिनट या 15 मिनट लास्ट है तो उतना टाइम रुकता है, फिर टाइम के हिसाब से ये ट्रेन चलता रहता है। और ज़्यादातर तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ दिघवा दिघौली रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर हॉर्न दे चुकी है और चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए दिघौली दिघवा दिघौली रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुका है ट्रेन और यहाँ से भी आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए ये चारों तरफ का सीन देख सकते हैं। दिघवा दिघौली रेलवे स्टेशन और काफ़ी स्पीड से ट्रेन चल रही है और अंधेरा होने वाला है तो रात में ज़्यादातर आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि रास्ते में जो मैंने आप लोग दिखाया है पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर आगे का सीन दिखलाते हैं। तो अब निकलते हैं यहाँ से आगे दिघवा दिघौली रेलवे स्टेशन से। ये कौन सा रेलवे स्टेशन है अगर यहाँ पर ट्रेन रुकता है तो मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा, जो कि ये भी ट्रेन से यात्रा करके सुबह में उधर से आते वक्त तो इधर काफ़ी दिन था और यहाँ पर ट्रेन भी रुकी हुई थी तो आप लोग को मैंने दिखलाया है रेलवे स्टेशन को। और चलिए शाम तो हो चुका है, रात में यहाँ पर ट्रेन रुकती है तो बताते हैं कौन सा रेलवे स्टेशन है इस जगह के बारे में। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी सिढ़ौलिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी है जो आप लोगों को मैंने दिखलाया, क्योंकि आते वक्त यहाँ पर रुका हुआ था तो यहीं पर मैं उतरा हुआ था, फिर इसी जगह पर उतरा हूँ आप लोग देख सकते हैं पीछे। तो अभी जो ट्रेन रुका हुआ है सिढ़ौलिया रेलवे स्टेशन पर जो मैंने आप लोग को दिखाया, जो कि काफ़ी देरी से रुका हुआ है यहाँ पर। सिढ़ौलिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुका हुआ है, ये चारों तरफ देख सकते हैं। ट्रेन अभी नहीं चलेगा, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुकेगा तो देखते हैं कब तक रुका रहता है ट्रेन, फिर आप लोगों से आगे मिलते हैं। अभी हमारी ट्रेन थामे रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुकी है, यहाँ से अब सीधे जाएगी गोरखपुर, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए कभी 4 घंटे लगा और यहाँ से भी हमको 2 घंटे लगेगा जाने में थामे से रामकोला। तो चलिए आगे का जर्नी अगर टाइम मिलता है दिखलाते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं थावे रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि यहाँ पर रात हो चुका है और 8 बज चुका है तो 8 बजे यहाँ पर ट्रेन आई है। यहाँ पर रेल का इंजन आगे से पीछे किया जाएगा और इस रेलवे स्टेशन पर करीब 20 मिनट ट्रेन रुका रहेगा, क्योंकि इंजन आगे से पीछे करने में टाइम लगता है। तो इस जगह को हम दिन में आकर यहाँ पर वीडियो दिखलाएं आप लोगों को थाने जंक्शन का, तो पुराना वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ये रेलवे स्टेशन भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर एक मंदिर है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है तो वो भी आप लोग हमारे चैनल पर मिलेगा। तो वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।